Can we skip to the good part? Good morning, everyone. So it's 31st today, and we have planned to visit Darjeeling. So, अभी 8 बज रहे हैं. हम सुबह 7 बजे निकलने वाले थे, but late हो गया. तो अभी 8 बज रहे हैं और हम अब निकलने वाले हैं Darjeeling के लिए. Let's see क्या होता है. So be with us in this tour. So you will also know कि अभी Darjeeling का मौसम कैसा है, रास्ता कैसा है, and everything. लकीली वेदर बहुत अच्छा था जिस दिन हम निकले थे घूमने. पूरा पहाड़ का व्यू सिलीगुड़ी से ही क्लीन नज़र आ रहा था. ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स. सो हमारा जर्नी स्टार्ट में ही बहुत मज़ेदार हो गया था और वी वर एंजॉयिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी. और हाँ, अगर आप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जा रहे हो तो आप रोहिणी के रास्ते से जाइएगा, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है. बस जगह जगह पे रास्ता थोड़ा छोटा होने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम आपको मिल सकता है. अदरवाइज़ ये रास्ता बहुत ही अच्छा है. आपको ऊपर से होल सिलीगुड़ी का व्यू देखने को मिलेगा एंड आपको कहीं पर भी टूटे फूटे रास्ते वाली परेशानी नहीं आएगी. सो या गो थ्रू दिस. तो अभी हम ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं एंड यहाँ से दार्जिलिंग अराउंड 15 किलोमीटर और है. तो पता नहीं ये ट्रैफिक जैम कब खुलेगा. फाइनली हेलमेट निकाल के थोड़ा रिलीफ है. मेरा कान बहुत दर्द दे रहा था हेलमेट के वजह से एंड इट्स सो कोल्ड. मेरा ये ग्लव्स काम नहीं आया. मुझे एक पूरा विंड प्रूफ ग्लव्स लेना पड़ेगा. अब मैं गुरुदंग मार्ग भी जाने वाला हूँ, सो दूसरा ग्लव्स लेना पड़ेगा. ओ माय गॉड, वहीं आ रहा व्यू. तो ये मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हैं. माउंटेन फुल्ली कवर्ड विथ स्नो. तो वो है कंचनजंगा, एज यू ऑल नो, वन ऑफ द ब्यूटीफुल माउंटेन. आज बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं इधर. हाँ, यही तो बनेगा. सो इट्स सुपर क्राउडेड. बहुत भीड़ है, बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं बिकॉज ऑफ स्नोफॉल. एंड ये दार्जिलिंग का मेन मार्केट है. यू हैव टू वॉक हेयर जस्ट लाइक एमजी मार्ग इन गैंगटॉक. तो अभी हम दार्जिलिंग के एकदम फेमस बेकरी शॉप के बाहर खड़े हैं, ग्लेनरी. यू कैन सी मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट कम हेयर एंड क्लिक फोटो बिकॉज एकदम फोटोजेनिक प्लेस है. You wanna take photos? Yes. Whenever I see flowers, I be like, take my money, give it to me. So helmet पहन के इसके बाल एकदम जकड़ गए थे और अभी ये घूम कर रही है मार्केट में. देखी दिखा दी ना मालाई. बहुत ठंड हवा चल रही है, काफी ठंड है. और मेरे पीछे ये मैपल ट्री है, अभी मैं दिखूंगा आप लोगों को. बहुत ही ब्यूटीफुल. सो इतने ठंड में इसने कोट वोट निकाल दिया था फोटो क्लिक करने के लिए. None of the picture turned out good. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है. सो वी वांट टू क्लिक अ पोर्ट्रेट. तो इतना ज़्यादा क्राउड में उतना अच्छा नहीं आता है. लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अ गुड place where we can click some portraits.
मेरा नाक लाल हो गया है ठंड के मारे. So on the way to Mahakal Mandir, there is one office. ये office है, ये क्या है पता नहीं, private लिखा हुआ था. लेकिन ये बहुत अच्छा location है. If you want to click portraits, I'll put some of the photos. You will see कि crowd भी नहीं है और जगह भी अच्छा है. If you visit Darjeeling, मंदिर जाते वक्त इस route पे यहाँ पे do click some photos, अच्छा आएगा. And I'm really happy the weather is so good today. धूप निकला हुआ है कड़क, ठंड में मज़ेदार धूप आ रखा है. अदरवाइज यहाँ हिल्स में कब बारिश हो जाए पता नहीं होता है. हाउ आर यू फीलिंग बेब? सुपर कोल्ड एंड हैप्पी. ओह माय गॉड, सो मेनी मंकीज हियर. अभी हम लोग मंदिर दर्शन करके आए. जैसे आप लोग सुन सकते हो बैकग्राउंड में भजन चल रहा है. बहुत मजा आ रहा है अभी तक. माय बेबी इज सो टायर्ड. लेकिन इतना मजा आ रहा है कि टायर्डनेस दूर हो जा रहा है. यहाँ पे काफी मंकीज है एंड वन ऑफ द मंकी इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. तो हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी दार्जिलिंग आके जल्दी जल्दी वापस चले जाएंगे, क्योंकि टुडे इज 31st और हमारा नाइट का अलग प्लान है घर में. लेकिन काफ़ी लेट हो गया है. इट्स मोर देन 1 PM ऑलरेडी. एंड अभी घर भी जाना है. अभी कुछ नाश्ता वास्ता भी हमने किया नहीं है, करना बाकी है. इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट दार्जिलिंग, थोड़ा टाइम लेके आइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था आज. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था. अराउंड एक घंटा हमें ट्रैफिक जाम में लग गया. सी वाज सो पिस्ड बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम. कब पहुँचेंगे, कब लौटेंगे? बट नाउ आई एम हैप्पी. ठंडा भी थोड़ा कम हो गया है अभी तक. हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड था, अभी थोड़ा कम हो गया. सो आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ चौरस्ता दार्जिलिंग. ये है चौरस्ता दार्जिलिंग, जो एकदम ही क्राउडेड रहता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता रहता है. लाइक फ्यू डेज बैक यहाँ पे फूड फेस्टिवल चल रहा था. सो आई गेस इस साल यहाँ पे टूरिस्ट फेस्टिवल नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड. यहाँ पे तभी हम लोग फोटो खींचने वाले थे, बट हमने नहीं क्लिक किया. और अभी लुक एट द क्राउड. आई डोंट थिंक वी कैन क्लिक एनी फोटोज हियर. बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा. We are at this dhaba restaurant and हम लोग ठंडी से मर रहे हैं दोनों. ठंड बहुत बढ़ गया है, पता नहीं अचानक बहुत ठंड बढ़ गया है. We are literally, I am literally shivering. I don't know about him. मैं तो कांप रही हूँ ठंडी से. अभी धूप नहीं है और बाहर बहुत कोहरा है, इसलिए ठंड बढ़ गया है बहुत ज़्यादा. और अभी हम लोग सोनादा के एक रेस्टोरेंट में है, मोमो थप्पा खाएंगे. थोड़ा गर्म होगा, एटलीस्ट गर्म गर्म खाएंगे तो. गर्म ही होगा, गर्म ही होगा.
मेरा हाथ जम चुका है तो इसीलिए he is doing this. Cheers. After coming back from Darjeeling, we started enjoying. Like he decorated all this thing. He put this all this light to give a nice vibe. Yeah, and Darjeeling से आके मैंने उतना outro किया नहीं था, so मैं busy हो गया था. आते-आते late हो गया था, तो मैं busy हो गया था पकाने में, ये आग जलाने के लिए लकड़ी वगैरह सब जुगाड़ करने बहुत में बहुत मेहनत किया. तो अभी बहुत मजा आ रहा है. अभी मैं है, प्रतिमा है, इसकी छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर एंड इसके ब्रदर इन लॉ सब हैं यहाँ पे, एंड वी आर एंजॉयिंग 31st. सो इस ब्लॉग को रहा है. तो इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करता हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में. आई मीन शो यू सम आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. तो ये आग जल रहा है और यहाँ पे ये सब है एंड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर यू गाइस.